ये नमकीन चाय बनाओ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरखान इब्राहिम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज 14th सेरी तैयार करने जा रहे हैं। आज हम इधर घर पे ही बना रहे हैं, घर पे चाय बना रहे हैं जी, वो भी बलती कद्दू का जो चाय होता है नमकीन, वो बना रहे हैं। और आज कुछ दोस्त आए हैं, कुछ सामान लेकर आए हैं। इनको मैंने बाहर भेजा था सालन और रोटी लाने के लिए, मैं बलती चाय बना के रखना था। ये परसों आप लोगों ने देखा होगा इनको ब्लॉग में, तो ये भाई छुपे हुए हैं। चलो फिर शहरी के टाइम पे इनको मिलाते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको। अभी मैं चाय बनाता हूँ, टाइम ख़त्म हो गया। ये नमकीन चाय बना दी है इसमें, या खुद ले कलर कलर दो तिले दो तिले तिले जी। तो भाई शहरी का टाइम हो गया है और आज स्पेशल दो गेस्ट हमारे आए हुए हैं जी, बहुत अरसे बाद आए हुए हैं। और मैंने इनके लिए स्पेशल बलती चाय बनाया है। वैसे तो मैं चाय यहाँ पे बलती चाय नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है और अकेले बनाने का दिल भी नहीं करता है। बाकी जो बॉयज़ है वो नहीं पीते हैं, क्योंकि ये नमकीन होती है। तो आज हमारे अपने बॉयज़ हैं, तो हमने सोचा कि स्पेशल इनके लिए बनाते हैं चाय, तो बनाया है जी। अभी हम सहरी करते हैं, टाइम ख़त्म होने वाला है, सहरी करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, सहरी हो गया ये ले। अल्लाह बुक क्यों बोले यार, मेरे बुक बोल मैं कह रहा हफ्ता के अंदर। चलो अल्लाह हाफिज़। सुना है ये लोग गए हैं और हसन भाई आ गए हैं जी। आज शहरी पे थे, शहरी पार्टी पे, मुझे अकेला छोड़ के ये इससे याद आ गया। देखो ये हमारा जख्मों का अभी ये हालत है, हाँ मेरा ये थोड़ा मेरा ठीक ख़त्म हो गया, बस इसका ख़त्म नहीं हो रहा बस। अभी बस शहरी हो गई जी, अब सोते हैं क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जाना है और बस काम तमाम जी। तो गाइस इस वक्त आज पूरा दिन थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं रहा, तो इस वजह से फिर मुझे इफ्तारी लेने जाने का भी मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था। तो आज सिर्फ मैं इफ्तारी करने के लिए बैठा हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हसन लेकर आया था। और आज इफ्तारी पे फिर शहरी पे मैं अकेला था, तो मैंने दोस्तों को बुला लिया था, लेकिन इफ्तारी पे फिर पूरा हमारा गेंग आ गया था बॉयज़ का। जी तो गाइस इस वक्त दोपहर का टाइम हो गया है और आज सरप्राइजिंगली आज मेरे सर में काफ़ी दर्द था, बीमार था, और सरप्राइज़ ये मिला कि उठते ही ये हमारे कुछ बॉयस जो है वो आए थे। वो मुझे समझा बना तो बस अभी इफ्तारी करते हैं, टाइम होने वाला है इफ्तारी के बाद। उसको पूछ जाता है टाइम होने वाला है। इन में यहाँ पे दो पार्टीज हो गए ना। एक देख रहे हैं, एक हिस्से का हो गया है, एक हिस्से का नहीं हुआ है। कैसा फील हो रहा है आपको? अजीब फील हो रहा है। तो फिर इफ्तारी हमारी हो गई, तो इफ्तारी के बाद जो है वो थोड़ी देर जिम किया, और जिम करने के बाद आया हूँ, अभी एक काम पे बैठा हूँ। और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज कुछ इतना मूड नहीं था, ना व्लॉग बनाने का मूड था,
लेकिन बस चैलेंज की वजह से व्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं ले सकता था। तो बाकी इंशाल्लाह अब कल 15वां है रमज़ान का, और मैंने सोचा हुआ था कि 15 रमज़ान के बाद हम कंटेंट चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल कोई नया कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के सामने, और उम्मीद है वो कंटेंट आप पसंद करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कंटेंट पे, तो देखते हैं कि पिछला वाला सही रहता है या अगला वाला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रूटीन चेंज नहीं हो रहा मेरा। मैं डेली एक ही रूटीन पे काम कर रहा हूँ, और कल से कंटेंट चेंज करके कुछ इसी रूटीन को नए अंदाज में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज यही पे ख़त्म करते हैं वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।